नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समुदाय को संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग को लेकर आज सदन के बाहर इरफान अंसारी पोस्टर और बैनर लेकर धरने पर बैठे नजर आए। इरफान अंसारी ने कहा कि लंबे समय से अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव होता रहा है, आज भी यह भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। राज्य में 18% हमारी आबादी है, इसके बावजूद हमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मुस्लिम वर्ग को उनका अधिकार मिले, उनके साथ भेदभाव बंद हो। उन्होंने यह भी कहा कि मॉब लिंचिंग में हमारे दर्जनों बच्चे मारे गए, उनके परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मदरसा के शिक्षकों को जल्द से जल्द सैलरी दें, उनके साथ भेदभाव बंद करें, वक्फ बोर्ड का जल्द गठन करें। कुछ राज से हटाने में, खदेड़ने में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की रही है तो अल्पसंख्यक समाज की रही है। आज 3 साल लगभग होने जा रहा है, इनको आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। जनता हमसे पूछती है हमें क्या मिला। 18% अगर हमारी आबादी है और ऊपर से 96 हमारा अल्पसंख्यक अंसारी समुदाय, आप बताइए। एक मुफत लाल कंपनी कपड़ा बनाता है हमारा समाज, बुनकर समाज, धोती साड़ी लुंगी योजना जो बने उसमें भी हमें, हमारी जो मुस्लिम समाज को नहीं रखा गया, मुफत लाल मुंबई की कंपनी को दे दिया गया। तो हर क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, ये समाज जो है आज आदिवासी दलित से भी हमारा जो समाज है नीचा चला गया, क्योंकि 18 साल भाजपा ने ध्यान नहीं दिया। अब हमारी सरकार बनी है तो मैं चाहूँगा कि हर क्षेत्र में हमारे समाज को उचित सम्मानित जगह मिले और हर चीज़ में उचित भागीदारी मिले। हमसे जनता पूछती है, हमारे समाज हमसे पूछता है कि सर आप लोग को जिता के भेजे, सरकार हम लोगों ने बनवाया लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि सरकार को आप सचेत हो जाना चाहिए, सरकार को भी आप देखना चाहिए, जो सरकार के साथ खड़ा रहता है उसको भी सरकार को सम्मान करना चाहिए। इसको लेकर हम आज धरना दिए हैं। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, वक्त बोर्ड का गठन नहीं हुआ, जबकि हमारे बच्चे जो उर्दू बच्चे हैं, उर्दू शिक्षक के साथ भी भेदभाव होता है। आप देखिएगा जो टीचर 1 साथ 17 में एग्जाम हुआ, शिक्षक पास किए उर्दू शिक्षक, उसको योजना मद में कर दिया गया। और जो उसी साथ जो उनके साथ जो बच्चे पास हुए भाजपा रघुवर दास ने, उनको गैर योजना मद में कर दिया। मतलब वेतन भी नहीं मिल रहा है हमारे शिक्षकों को, ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए हम धरना पर बैठे हैं और जब तक, मैं कहना चाहता हूँ, जब तक इस समाज को हम इंसाफ नहीं दिला दें हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि कल सदन में भी हमने मांग किया था, हमारे बच्चे मॉब लिंचिंग में मारे गए, लगभग 62 लोग मारे गए मॉब लिंचिंग में, उसमें से सर्वाधिक बच्चे आदिवासी और मुसलमान के थे, अल्पसंख्यक बच्चे थे। उनको परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे परिवार को हमने वादा किया था कि, हम लोगों ने वादा किया था कि विधवा को नौकरी देंगे, वो भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आक्रोश है और मैं आक्रोश का शिकार इरफान अंसारी हो रहा है, इसलिए मैं आज धरने पर बैठा हूँ।